अब की बार 140 के पार। बीपीएससी पीटी में अब की बार 140 के पार। आज हम लोग बिहार स्पेशल डिस्कस करेंगे। टॉपिक है बिहार में मिट्टी संसाधन, सॉइल्स इन बिहार। चूंकि मेंस कर माफ कीजिएगा, आज 66 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो चर्चा में इस पर भी टिप्पणी करेंगे। हमारे संस्थान का रिजल्ट ठीक रहा, हर एक दो तीन बच्चों पे एक बच्चे हमारे फाइनली क्वालिफाई किए। करीब 15 स्टूडेंट थे जो इंटरव्यू दिए और उसमें से 6 बच्चे फाइनली सिलेक्ट हुए। देखिए, कहा जाता है और आप लोग न्यूज़पेपर के एनालिसिस में सुनिएगा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आईआईटी बैकग्राउंड के बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई किए। इसका मतलब ये नहीं है कि इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसका असली मतलब समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों को गलत मार्गदर्शन से ये चीज समझ में आता है कि दो तीन किताब पढ़ लो, बीपीएससी पीटी कम से कम क्वालिफाई कर जाओगे, और यहीं से हमारा आधार बेस कमजोर हो जाता है। देखिए, एनालिसिस शुरू से करना चाहिए। जो हम लोग सोच के चलते हैं कि दो तीन किताब पढ़ने से सब कुछ हो जाता है, तो इतना आसान कुछ होता नहीं है। जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज किए थे, करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स में एग्रीकल्चर का हर एक सिनेरियो देखे थे, हर एक क्रॉप्स का, हर एक फसल का, इरिगेशन का, सीड्स का, क्या क्या गवर्नमेंट सरकारी परियोजना है। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल्स इन बिहार। तो बिहार में जो मिट्टी संसाधन एक पारंपरिक है, ट्रेडिशनल सिलेबस है, लेकिन उसको आप कोरिलेट करेंगे ना एग्रीकल्चर से, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। द मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी इन बिहार इज एग्रीकल्चर, हेंस मोस्ट ऑफ द इनकम कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। और यदि बिहार के जीएसडीपी में देखेंगे तो कृषि का एक अपना योगदान है। तो ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से आप बिहार में एनालिसिस करना होगा कि कौन कौन सा सॉयल रिसोर्स है हमारा, मिट्टी संसाधन में क्या गुणवत्ता है, क्या उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है किसी क्रॉप का, क्या जल संसाधन की जरूरत है, यदि है तो कितने मात्रा में, ताकि आप इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ये सब आप ध्यान में दे सके। क्योंकि आपको मिट्टी संसाधन, सॉयल रिसोर्स, जल संसाधन, वाटर रिसोर्स और कृषि के सहवर्ती क्षेत्र, जैसे कि मत्स्य पालन हुआ, फिशरीज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, पशुधन अंग्रेजी में लाइफ स्टॉक कहते हैं, वो भी कृषि आधारित है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, और यहां से भी फार्मर्स को इनकम आता है। तो यदि हम लोग बिहार ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सॉइल्स पढ़ना होगा, कौन सी रीजन में कौन सॉइल्स होता है, कौन सा क्रॉप्स होता है और परफॉर्मेंस क्या है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होता है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तभी आपका फुल प्रूफ जो है एग्जामिनेशन की तैयारी होती है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ आप तैयार होते हैं। अब रहा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो हैं, कॉज एंड इफेक्ट हमेशा प्रभाव और उस कारण दोनों को कोरिलेट करते हैं। मान लीजिए यदि हम लोग अंग्रेजी में बोले क्लाइमेट वगैरीज, हिंदी में जलवायु मन मौजीपन, आप उसको लेके ऐसे चलेंगे कि चूंकि क्लाइमेट, सिंस वी हैव क्लाइमेट वगैरीज इन बिहार,
वी शुड स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर इरिगेशन। चूंकि बिहार में जलवायु जो है उसमें मन मौजीपन है, इसीलिए सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। आप इस बात को मान जाएंगे, लेकिन कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे तो उसको पहले निकालेंगे कि मॉनसून के कारण कितने साल में, कौन पिछले 5 साल में मॉनसून के कारण क्या क्या हानि पहुंचा, कहां सूखा पहुंचा, कहां बाढ़ आ गया, क्या स्टेप है सुधारने का। तो ये कॉज एंड इफेक्ट जब तक कि डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, अब फाइनली क्वालिफाई करने की सोच नहीं सकते। और सबका आधार पीटी ही बनता है। गलत फहमी में हम लोग रहते हैं, वी आर इन फूल्स पैराडाइज। यदि कोई आपको बोलता है कि ये 2-3 किताब पढ़ लो इससे पीपीएससी पीटी हो जाएगा, मींस ही इज प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ एन एस्पिरेंट। भविष्य में जो इस देश को चलाने वाले वैसे नौजवानों के साथ वो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसीलिए हमारा हमेशा एनालिसिस पार्ट पे कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बिहार में मिट्टी संसाधन सॉइल्स इन बिहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स डू बी फाइंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बिहार। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में हमें किस प्रकार की चट्टाने मिलती है? सैंडस्टोन मिलती है, यस सैंडस्टोन मिलती है। क्वार्ट्जाइट मिलती है, बोल्डर क्ले मिलता है। सही ऑप्शन डी, ऑल द ऑप्शंस। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में हमें किस प्रकार की चट्टाने मिलती हैं? बलुआ पत्थर, क्वार्ट्जाइट और गोलाशव। आंसर है सभी विकल्प। तो 1 का सही आंसर है डी, 1 का सही आंसर है डी। अब चलते हैं हम लोग डिस्कशन के पार्ट पे। हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिमी भाग, हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिमी भाग, यानी ये पोर्शन पश्चिम चंपारण या वेस्ट चंपारण। इसमें हम लोग क्या देखने को मिलता है? ये शिवालिक क्रम की पहाड़ी भाग है, मीन दिस इज पार्ट ऑफ द शिवालिक रेंजेस नोन एज सोमेश्वर। और याद होगा बिहार फिजियोग्राफी यदि पढ़े होंगे आप लोग हमसे टेस्ट सीरीज में, तो हम लोग ये बात किए थे कि यहां पे चट्टाने जो है नूतन काल की होती हैं, द रॉक्स आर ऑफ रिसेंट पीरियड। और हमेशा यहां पे आपको बालू पत्थर, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट, बोल्डर क्लेज या गोलाशम आपको मिलेगा। सो दिस इज अ रीजन that you get sandstone, quartzite, boulder clay in the northwestern part of Bihar. ये है आपका sandstone, बलुआ पत्थर, ये है आपका quartzite और ये है आपका boulder clay, गुलाशम। और ये तीनों जो है बिहार के सोमेश्वर भाग में आपको मिलता है। What is the source of soils in northwest Bihar? उत्तर पश्चिम बिहार में मिट्टी का स्रोत क्या है? रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, हिंदी में बोलते हैं वनस्पति के अवशेष। ये देखिए, ये जो वनस्पति के अवशेष हैं, इसे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम समय के अंतराल पे ये वनस्पति या वेजिटेशन का जो अवशेष होता है, रिमेन्स होता है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा, लेयर्ड रॉक्स। ये देखिए, जो चट्टाने होते हैं लेयर होते हैं और प्रेशर के कारण ऊपर का भाग छोटे छोटे कण में टूट जाता है और यही आपका मिट्टी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सॉइल्स इन नॉर्थ वेस्ट बिहार? तो आंसर इज रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, लेयर्ड रॉक्स। उत्तर पश्चिम बिहार में मिट्टी का स्रोत क्या है? वनस्पति के अवशेष, स्तरित चट्टाने। 2 का है सही आंसर ए और बी।
टू का सही आंसर है ए और बी। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच एज रॉक्स डू बी फाइंड इन द कैमूर हिल्स। कैमूर की पहाड़ियों में हमें कौन सी काल की चट्टाने मिलती हैं? ये देखिए, कैमूर ग्रुप ये है और यहां पे विंध्यन, यहां पे विंध्यन एज रॉक्स आपको मिलता है। ये है आपका कैमूर, ये देखिए बिहार का रोहतास सासाराम एरिया में एंटर कर रहा है, और यहां पे जो आपको रॉक्स मिलता है वो विंध्यन एज कहलाता है। कैमूर की पहाड़ियां में हमें कौन सी काल की चट्टाने मिलती हैं? तो वो है आपका विंध्यन। क्वेश्चन नंबर ये है आपका विंध्यन, ये देखिए ये है आपका कैमूर, और यहां पे जो रॉक्स है, शैल है, चट्टाने हैं, विंध्यन ग्रुप का होता है। ये ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, ये है कैमूर, यहीं पे आपको विंध्यन ग्रुप का रॉक्स मिलता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सॉइल्स इन द कैमूर हिल्स। ये जो हम लोग कैमूर हिल की बात कर रहे हैं या ये जो कैमूर रेंज की बात कर रहे हैं, यहां पे जो मिट्टी मिलती है वो उसका स्रोत क्या है? एक है सैंडस्टोन, यहां मिलेगा केसीय घिसने से, अपरदन से, इरोजन से ये मिट्टी में कन्वर्ट होता है। दूसरा डोलोमाइट, इससे भी मिट्टी कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। ये तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो कि सॉइल्स बनाती है कैमूर हिल्स में। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ सॉइल्स इन द कैमूर हिल्स? सैंडस्टोन, डोलोमाइट, लाइमस्टोन। आंसर इज डी ऑल द ऑप्शंस। कैमूर पहाड़ियों में मिट्टी का स्रोत क्या है? बलुआ पत्थर, डोलोमाइट और चूना पत्थर। फोर का है सही ऑप्शन डी। फाइव, हम लोग अभी बात कर रहे हैं बिहार के पहाड़ी इलाका की, आपका सोमेश्वर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, फिर कैमूर दक्षिण, गया चलते हैं। विच एज रॉक्स डू बी फाइंड इन गया हिल्स? आर्कियन, किरवट। गया पहाड़ियों में हमें कौन सी काल की चट्टाने मिलती हैं? तो आर्कियन और किरवट। फाइव का है बी और सी, ये है आपका आर्कियन, यानी आज से 2500 मिलियन वर्ष पूर्व, 2500 मिलियन ईयर्स अगो वी हैड आर्कियन एज एंड वी हैव रॉक्स ऑफ आर्कियन एज इन गया हिल्स। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सॉइल्स इन गया हिल एरियाज? गया में देखेंगे ये निस पत्थर मिलेगा, ये सिस्ट पत्थर मिलेगा, और ये दोनों पत्थर मिट्टी का स्रोत है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सॉइल्स इन गया हिल एरियाज? निस एंड सिस्ट। गया पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी का स्रोत क्या है? निस और सिस्ट। सिक्स का है ए और बी। सेवन, अब हम लोग पहाड़ी इलाका पहले देख रहे हैं, फिर हम लोग प्लेन एरिया मैदानी इलाका में चलेंगे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सॉइल्स इन राजगीर, नवादा, क्यूल एंड बांका? राजगीर में, नवादा में, क्यूल और बांका में मिट्टी का स्रोत क्या है? क्वार्ट्जाइट, शेल और इग्नियस रॉक्स। क्वार्ट्जाइट, शेल और आग्नेय चट्टान। सेवन का है ए बी सी, ये देख रहे हैं नालंदा, जमुई, नवादा, राजगीर, ये सब पहाड़ी इलाका है। तो यहां पे जो मिट्टी का स्रोत है, सोर्स ऑफ सॉइल्स, वो क्वार्ट्जाइट है, शेल है और इग्नियस आग्नेय चट्टान। सेवन का ए बी सी, क्वार्ट्जाइट ये रहा, इग्नियस आपका आग्नेय शैल ये रहा। अब हम लोग चलते हैं उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में। पहाड़ी इलाका देख लिए कौन कौन सा मिट्टी का स्रोत है, और अब अंदाज भी लगा सकते हैं किन को कौन सा फसल यहां पे हो सकता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सॉइल्स इन नॉर्थ बिहार? उत्तर बिहार में मिट्टी का स्रोत क्या है? ये देखिए, ये है हिमालय, नदी जो है इस पहाड़ को काट रही है,
और बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े स्टोन, चट्टान को काटते काटते छोटे छोटे महीन टुकड़े में आके मैदानी इलाका में जमा कर देते हैं। ये देखिए, ये हिमालय, नेपाल के हिमालय है, यहां से नदियां निकल रही हैं, हिमालय के पत्थर को काट रही है, छोटे छोटे कण जो है बिहार में आके डिपॉजिट हो रहे हैं, जमा हो जा रहे हैं। आप चाहे नॉर्थ बिहार का गंडक देखिए, चाहे नॉर्थ बिहार का कोसी देखिए, या महानंदा देखिए, कोई भी नदी देखिए, उत्तर बिहार का घाघरा नदी देखिए, ये सारे हिमालय से नदी आती हैं। हिमनद के पिघलने से, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर से, ये रिवर्स रॉक का इरोजन करती है, अपरदन क्रिया करती है, जिसे बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे टुकड़े में, कण में आके मैदानी इलाके में जमा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सॉइल्स इन नॉर्थ बिहार? डिपॉजिट्स ऑफ रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस। उत्तर बिहार में मिट्टी का स्रोत क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियों के निक्षेप। 8 का है सही ऑप्शन ए। 9, हम लोग को यदि मिट्टी का वर्गीकरण करना है, सॉइल्स का क्लासिफिकेशन करना है, तो नॉर्थ बिहार सॉइल्स को कितने भाग में बांटेंगे, उत्तर बिहार के मिट्टी को कितनी श्रेणी में बांटेंगे? तो हम लोग 4 श्रेणी में बांटेंगे। विल डिवाइड द सॉइल्स ऑफ नॉर्थ बिहार इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज रेजिडुअल सॉइल, तराई सॉइल, रिसेंट एलुवियम एंड डोमट सॉइल। उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों की मिट्टी को हम लोग 4 श्रेणी में बांटेंगे, अवशिष्ट मिट्टी, तराई मिट्टी, नव निर्मित जलोढ़ की मिट्टी, दोमट मिट्टी। 9 का सही ऑप्शन ए बी सी डी। 9 का सही ऑप्शन ए बी सी डी। अब वही हम लोग साउथ बिहार प्लेन में चले, दक्षिण बिहार के मैदान में चले, यानी गंगा से नीचे का भाग, गंगा से दक्षिण का भाग, साउथ ऑफ द गंगा रिवर इन बिहार इज नोन एज साउथ बिहार प्लेन्स। तो कौन से 4 कैटेगरी है? लेवी सॉइल, ताल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड रेसिडुअल सॉइल। गंगा का गारी मिट्टी, ताल क्षेत्र की मिट्टी, पुरानी जलोढ़ की मिट्टी और अवशिष्ट मिट्टी। 10 का है ए बी सी और डी। अब हम लोग एक एक करके हर एक कैटेगरी के मिट्टी को, पहले नॉर्थ बिहार देखेंगे, फिर साउथ बिहार देखेंगे, हम लोग हर एक मिट्टी को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज रेसिडुअल सॉइल्स लोकेटेड इन बिहार? हम लोग फिलहाल उत्तर बिहार की मैदान का सॉइल्स कर रहे हैं, नॉर्थ बिहार प्लेन सॉइल्स, सॉइल्स ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन्स। तो बिहार में अवशिष्ट मिट्टी कहाँ स्थित है? तो ये देखिए, ये जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, सोमेश्वर हिल एरियाज है ना, तो यहीं पे आपको रेसिडुअल सॉइल्स मिलता है। तो वेयर इज रेसिडुअल सॉइल्स लोकेटेड इन बिहार? नॉर्थ वेस्ट हिली एरियाज ऑफ वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण के उत्तर पहाड़ी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जो हम लोग रेसिडुअल सॉइल्स की बात किए, जो कि नॉर्थ वेस्ट हिली एरियाज में है या सोमेश्वर हिली क्षेत्र में है, सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र में है, यहाँ की मिट्टी का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स और विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस? तो पहला देखिए कि ये शिवालिक का एक्सटेंशन है, तो शिवालिक हिली रेंजेस, वहाँ के पत्थर टूट के इरोजन से, अपरदन से, अपक्षय से ये मिट्टी बनेंगे, नंबर 1। दूसरा, डिपॉजिट्स ऑफ गंडक एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, गंडक और उसकी सहायक नदियों के नीचे। ये देखिए गंडक नदी, ये अपन नॉर्थ वेस्ट चंपारण से बह रही है, तो इसका निक्षेप, इसका डिपॉजिट्स भी। और तीसरा है आपका फॉरेस्ट रिसोर्स, तो ये वन संपदा है, ये फॉरेस्ट रिसोर्स है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ रेसिडुअल सॉइल्स, ए शिवालिक हिल रेंजेस, डिपॉजिट्स ऑफ गंडक एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड सी फॉरेस्ट रिसोर्स। 12 का सही ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट मिट्टी का स्रोत है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला, गंडक और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप और वन संसाधन। 12 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसिडुअल सॉइल्स इन बिहार? निम्नलिखित में से कौन से बिहार में अवशिष्ट मिट्टी की विशेषताएं हैं? पहला है हाई लेवल ऑफ मॉइस्चर, नमी का उच्च स्तर, है ना। तो क्या होता है कि इसमें जो पत्थर का जो कण होता है, जो पीसेस होता है मड का, वो काफी बड़ा बड़ा होता है, यानी बीच में जगह होगा, तो बीच में जगह होने से पानी का बहुत ज्यादा सीपेज हो जाता है। तो देखेंगे पत्थर, पत्थर के नीचे पानी, कोई भी तराई एरिया में आप मिलने आपको ये मिलता है, तो हाई लेवल ऑफ मॉइस्चर, नमी का उच्च स्तर मिलेगा ही। सीपेज ऑफ वाटर, क्योंकि मोटे मोटे कण होते हैं तो पानी का रिसाव होता रहेगा, बी भी सही है। सी है हाई प्रोपोर्शन ऑफ अलूवियल सॉइल्स, अलूवियल सॉइल्स आपको काफी मिलेगा, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे काफी मिलेगा। 13 का सही ऑप्शन है डी। 14। अब पानी है बहुत है, यू हैव अ लॉट्स ऑफ वाटर हियर। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन बी आइडली ग्रोन इन द रेसिडुअल सॉइल्स ऑफ बिहार? राइस एंड सुगर के। 14 का ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल आदर्श रूप से बिहार की अवशिष्ट मिट्टी में उगाई जा सकती है? चावल और गन्ना। तो 14 का ए ऑप्शन और बी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिडुअल सॉइल्स ऑफ नॉर्थ बिहार? उत्तर बिहार की जो अवशिष्ट मिट्टी है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक तो हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, आपको जैविक पदार्थ यहाँ बहुत मिलेंगे, इस मिट्टी में उर्वरकता इसलिए रहती है। एंड द कलर ऑफ द सॉइल इज ब्राउन, मिट्टी का रंग भूरा होता है, इस तरह का मिट्टी का रंग भूरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए और बी। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग रेसिडुअल सॉइल्स खत्म कर लिए, दूसरा क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, तराई सॉइल्स, है ना। तो तराई सॉइल्स कहाँ मिलता है? ये देख रहे हैं, ये सोमेश्वर ये श्रेणी है, इसके नीचे ये पार्ट है ना, इंडिया या बिहार नेपाल बॉर्डर पे देख रहे हैं, ये पोर्शन जो है आपका तराई सॉइल्स मिलता है। तो वेयर आर तराई सॉइल्स फाउंड इन बिहार? साउथ ऑफ सोमेश्वर हिल्स एंड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया नेपाल, ए एंड बी। बिहार में तराई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सोमेश्वर पहाड़ियों के दक्षिण में और भारत नेपाल की सीमा पे। 16 का ए और बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तराई सॉइल्स ऑफ बिहार? हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थ बहुत ज़्यादा है, सही है। हाई लेवल ऑफ मॉइस्चर, तराई मिट्टी, अब देखिएगा दलदली क्षेत्र भी होता है, क्योंकि ऊपर आपको लग रहा है मिट्टी, नीचे पानी जमा रहता है ना। तो हाई लेवल ऑफ मॉइस्चर, इट हैज़ बोथ कोर्स एंड फाइन ग्रेन्स, बहुत महीन मिट्टी मिलेगा और मोटे मिट्टी भी मिलेंगे, तो सी भी सही है। तो 17 का सही ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की तराई मिट्टी की विशेषताएं हैं? उच्च स्तर के जैविक पदार्थ, नमी का उच्च स्तर, इसमें मोटे और महीन दोनों प्रकार के दाने होते हैं। तो 17 का है डी। क्वेश्चन नंबर 17 का है डी। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द कलर ऑफ तराई सॉइल इन बिहार? कलर जो है आपको ब्राउन भी मिलेगा, येलो भी मिलेगा। बिहार में तराई मिट्टी का रंग कैसा होता है? भूरा और पीला। 18 का है ए और बी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर आइडियली ग्रोन इन तराई सॉइल्स?
पानी रहता है, याद रखिएगा पानी ज़्यादा रहेगा नमी रहेगा। तो कौन सी फसल तराई मिट्टी में आदर्श रूप से उगाई जाती है? राइस और शुगर के, चावल गन्ना। देखिए हम जो बोल रहे हैं एनालिटिकल पार्ट उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे का या गवर्नमेंट रिपोर्ट पढ़ेंगे कोरिलेट करने में आसानी होगा, पीटी में क्वेश्चन का आंसर करने में आसानी होगा और मेंस में आंसर बनाने में आसानी होगा। तो 19 का सही ऑप्शन है ए और बी। इन विच ऑफ पार्ट ऑफ द तराई सॉइल जूट इज एक्सेसिवली ग्रोन? तराई मिट्टी के किस भाग में जूट अत्यधिक उगाया जाता है? देखिए ये है आपका तराई मिट्टी, ये जो पोर्शन देख रहे हैं किशनगंज एरिया और ये सब एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पटसन जूट का जो है उगाया जाता है। इन विच पार्ट ऑफ द तराई सॉइल जूट इज एक्सेसिवली ग्रोन? ईस्टर्न। तराई मिट्टी के किस भाग में जूट या पटसन अत्यधिक उगाया जाता है? पूर्वी। 20 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए तराई मिट्टी चूंकि पहाड़ी इलाका से है तो एक ऊंचा इलाका होगा एक निचला इलाका होगा। अब उचले इलाका में उचला ये जो तराई मिट्टी का जो तराई जो क्षेत्र है उसका जो ऊपर वाला भाग है अपर पोर्शन है वह रॉक्स ज्यादा है तो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होगा, नीचे का पार्ट फर्टाइल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 उसी पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन द लेस फर्टाइल एरियाज ऑफ द अपलैंड्स ऑफ द तराई सॉइल? मरुआ, कुल्थी, अरहर, स्वीट पोटैटो, यानी 21 का है डी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल तराई मिट्टी की ऊपरी इलाका के कम उपजाऊ क्षेत्र में उगाई जाती है? मरुआ, कुल्थी, अरहर और शकरकंद, 21 का है डी। अब जो तराई क्षेत्र का जो निचला भाग है वो फर्टाइल है ना, लोअर पार्ट या लोलैंड एरियाज ऑफ द तराई सॉइल आर मोर फर्टाइल कंपेयर टू द अपलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ राइस आर ग्रोन इन द लोलैंड एरियाज ऑफ द तराई सॉइल? भदई एंड अघनी। निम्न में से किस प्रकार के चावल तराई मिट्टी के तराई क्षेत्रों में उगाए जाते हैं? तो भदई और अघनी। 22 का है सही ऑप्शन ए और बी। अब हम लोग चलते हैं रीसेंट अलूवियल सॉइल। ये देखिए ये सब जो नॉर्थ बिहार का कोसी नदी, कमला नदी, बागमती नदी, गंडक नदी, ये सब क्या है कि इन नदी का खासियत यह है, हम लोग रिवर्स का जो टेस्ट सीरीज किए थे उसमें डिस्कस भी किए थे कि रिवर्स जो है अपने फ्रीक्वेंटली अपने मार्ग को, रूट को चेंज करती है और ये फ्लड हमेशा देखिएगा हर एक साल बाढ़ लेके आती है। इस बार भी 67th बीपीएससी पीटी का डेट इसलिए फिक्स नहीं हो पा रहा है कि नॉर्थ बिहार का जो एरिया है वहाँ फ्लड का डर है। तो क्या होता है कि ये चूंकि हर एक साल बाढ़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो रहता है तो ये हिमालय को बहुत ज़्यादा काटती है, उसको छोटे छोटे पीसेस जो मिट्टी का जिसको कि अलोवियल मिट्टी कहते हैं, अलोवियल सॉइल्स कहते हैं, जलोर मिट्टी कहते हैं, जलोड़ मिट्टी कहते हैं, हर एक साल नया नया जलोर मिट्टी आपको नॉर्थ बिहार में मिलेगा और इसलिए तीसरा क्लासिफिकेशन मिट्टी का जो नॉर्थ बिहार में होता है उसको हम लोग हिंदी में नव निर्मित जलोर मिट्टी कहते हैं या रिसेंट अलूवियल सॉइल्स कहते हैं। तो वेयर इज रिसेंट अलूवियल सॉइल फाउंड इन बिहार? इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती रिवर, यस। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ कमला एंड कोसी रिवर, यस। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ महानंदा रिवर, यस। यानी 23 का है डी। बिहार में नव निर्मित जलोर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती नदी के बाढ़ के मैदानों में, यस। कमला और कोसी नदी के बाढ़ के मैदानों में, महानंदा नदी के बाढ़ के मैदानों में, जहाँ जहाँ हर एक साल बाढ़ आती है वहाँ आपको रिसेंट अलूवियल सॉइल इंग्लिश में और नर निर्मित जलोर मिट्टी हिंदी में पाई जाती है। 23 का सही ऑप्शन है डी। अब आते हैं वेयर इज रिसेंट अलूवियल सॉइल फाउंड इन बिहार? बिहार में नव निर्मित जलोर मिट्टी कहाँ पाई जाती है?
सारण में, ईस्ट चंपारण या पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर में, शिवहर में, मधुबनी में, दरभंगा में, समस्तीपुर में, खगड़िया में, सहरसा में, मधेपुरा में, ये सब जगह आपको रिसेंट अलूवियल सॉइल मिलता है। 2024 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस सभी विकल्प। 24 का सही ऑप्शन है डी। ये जो रिसेंट अलूवियल सॉइल्स होते हैं, जलोढ़ मिट्टी होते हैं, इनकी क्या खासियत होती है, क्या विशेषता होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो देखिए, एवरी ईयर नया नया तत्व आता है, नया एलिमेंट आता है, तो सॉइल्स तो है फर्टाइल होगा, ये मिट्टी जो है उपजाऊ होती है, पानी भी रहता है, तो राइस भी उगा सकते हैं, धान, जूट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। और इसका जो अपलैंड एरिया है, ऊपरी इलाका है, वहां पे राइस एंड वीट होता है। तो 25 का है डी। मिट्टी आप आमतौर पर उपजाई होती है, चावल उगा सकते हैं, जूट उगा सकते हैं, मक्का दलहन तिलहन, ऊपरी भाग में चावल और गेहूं की खेती होती है, तो सभी विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सभी विकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द रिसेंट अलूवियल सॉइल इन बिहार? ब्राउन एंड लाइट येलो। बिहार में नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? भूरा और हल्का पीला। 26 का ए और बी। चौथा जो क्लासिफिकेशन है नॉर्थ बिहार का, उत्तरी बिहार के मैदानी लोग इलाका का, नॉर्थ बिहार प्लेन्स का जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है सॉइल्स का, जो चौथा श्रेणी का वर्गीकरण है, उसको हम लोग दोमट सॉइल या दोमट मिट्टी कहते हैं। ये कहाँ मिलता है? ये घाघरा गंडक दुआब क्षेत्र में मिलता है। घाघरा गंडक, ये है आपका गंडक, है ना, और ये है घाघरा। तो ये इस क्षेत्र में आपको दोमट मिट्टी मिलता है, इस क्षेत्र में गोपालगंज सिवान, राइट। तो साउथ ऑफ घाघरा गंडक दुआब, गंगा कोस्टल एरिया ऑफ सारण डिस्ट्रिक्ट एंड साउथ ऑफ गंडक रिवर। 27 का है डी। बिहार में दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो घाघरा गंडक दुआब के दक्षिण में, सारण जिला के गंगा तटीय क्षेत्र में और गंडक नदी के दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर इज दोमट सॉइल फाउंड इन बिहार? बिहार में दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, मुजफ्फरपुर में पाई जाती है और खगड़िया में पाई जाती है। तो 28 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शन सभी विकल्प। 29, व्हाट इज द कलर ऑफ द डोमट सॉइल इन बिहार? लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन। बिहार में दोमट मिट्टी का रंग हल्का भूरा से गहरा भूरा। 29 का सही ऑप्शन ए, 29 का सही ऑप्शन ए। अब दोमट मिट्टी में कौन कौन सा क्रॉप्स और फ्रूट्स, कौन कौन सा फसल और फल उगाया जा सकता है? मेज, सुगर केन एंड व्हीट सही है, टोबैको, मैंगो एंड लीची सही है, बनाना सही है। अब देखिए, इसको जब एग्रीकल्चर का जो टेस्ट सीरीज है उसके साथ कंपेयर कीजिए और देखिए सबसे ज़्यादा बनाना का प्रोडक्शन कहाँ है, सबसे ज़्यादा बनाना का प्रोडक्टिविटी कहाँ है, ये कंपेयर कीजिए। 30 का सही ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में कौन सी फसल और फल दोमट मिट्टी में उगाए जा सकते हैं? मक्का, गन्ना और गेहूँ, तंबाकू, आम और लीची, केला। 30 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ डोमट सॉइल? 8.5 to 10। दोमट मिट्टी का पीएच मान क्या है? 8.5 से लेकर 10, है ना। इन विच रिवर वैलीज ऑफ बिहार डू वी फाइंड द डोमट सॉइल? कौन सी नदी घाटियों में हमें दोमट मिट्टी मिलती है? कोसी और महानंदा की। गंडक घाघरा तो मिलते ही हैं, कोसी और महानंदा की घाटी में भी हम लोग को दोमट मिट्टी मिलती है। 32 का है ए और बी। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण बिहार। अब देखिएगा, उत्तर बिहार की मैदान जो है, बेसिकली इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिवर्स ऑफ द हिमालयस। हिमालय की नदी जो है अपने साथ अपक्षय क्रिया करते हुए, इरोजन एक्टिविटी करते हुए, निक्षेप को
है ना डिपॉजिट्स को जमा करती है, जिसे कहा है नॉर्थ बिहार प्लेन्स बनता है। अब हम लोग चलते हैं साउथ बिहार प्लेन पे। चलिए विच ऑफ द, अब हम लोग साउथ बिहार प्लेन्स कर रहे हैं और वहाँ का मिट्टी हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ द सॉइल्स ऑफ साउथ बिहार प्लेन्स? इग्नियस रॉक्स, यस। मेटामॉर्फिक रॉक्स, यस। मॉनसून रिवर्स, क्योंकि देखिए दक्षिण बिहार में जो भी आपका रिवर्स है सब मॉनसून पे आधारित रिवर है, दे ऑल मॉनसून रिवर्स। तो 33 का सही ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार के मैदानों की मिट्टी के स्रोत हैं? आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और मॉनसून नदियां। डी सभी विकल्प। तो 33 का सही ऑप्शन है डी, क्वेश्चन नंबर 33 करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब हम लोग चलते हैं कि साउथ बिहार प्लेन्स का जो मिट्टी है, दक्षिण बिहार के मैदानी इलाके जो मिट्टी है उसकी विशेषता क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अमाउंट ऑफ लाइम एंड कॉन्क्रीशंस लो, कहने का मतलब है कि कंकड़ हम लोग को कम मिलेगा, चूने की मात्रा भी हम लोग को कम मिलेगी, तो ये सही है। सॉइल्स आर ऑफ कोर्स पार्टिकल्स, मिट्टी जो है ना मोटे कण होते हैं। नॉर्थ बिहार में देखेंगे छोटे छोटे पतले पतले फाइन पार्टिकल्स, बट इन साउथ बिहार यू विल फाइंड कोर्स पार्टिकल्स, तो मिट्टी के मोटे कण के होते हैं। द कलर ऑफ द सॉइल इज येलो एंड डस्टी, इनका रंग पीला होता है और मटमैला होता है, सी भी सही है। अमाउंट ऑफ अलूवियल इज मोर एज कम्पेयर टू नॉर्थ बिहार प्लेन्स, यदि उत्तर बिहार से हम लोग कंपेयर करेंगे तो नॉर्थ बिहार के कंपैरिजन में साउथ बिहार में जो जलोढ़ मिट्टी की, जलोढ़ की जो मात्रा है, अलूवियल की जो मात्रा है वो ज़्यादा आपको मिलेगा। तो 34 का सही ऑप्शन है ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन है ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 35, विच सॉइल इज प्रेजेंट इन द साउथ पार्ट ऑफ पटना, उसको हम लोग केवाल मिट्टी कहते हैं। देखिए इस तरह का मिट्टी को हम लोग केवाल मिट्टी कहते हैं। तो विच सॉइल इज प्रेजेंट इन द साउथ पार्ट ऑफ पटना, ब्राउन केवाल सॉइल। पटना के दक्षिण भाग में कौन सी मिट्टी मौजूद है, भूरा केवाल मिट्टी। 35 का सही ऑप्शन है ए। विच टाइप ऑफ सॉइल इज प्रेजेंट इन मुंगेर एंड नवादा डिस्ट्रिक्ट, हम लोग मुंगेर और नवादा जिले में बात करें तो वहाँ किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो उसको हम लोग कहते हैं लाइट रेड कलर्ड क्लेई, हल्के लाल रंग का चीका, है ना, ये देखिए ये है चीका मिट्टी, हल्के लाल रंग का चीका मिट्टी, लाइट रेड कलर्ड क्ले इंग्लिश में या हल्के लाल रंग का चीका हिंदी में। 36 का सही ऑप्शन है बी। 37, विच टाइप ऑफ सॉइल इज प्रेजेंट इन द प्लेन्स ऑफ शाहबाद, शाहबाद के मैदानी इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद होती है, तो वो होता है लाइट ब्राउन, हल्का भूरा। 37 का सही ऑप्शन है सी। 38, अब हम लोग बात करेंगे जो साउथ बिहार प्लेन्स है, जो नॉर्थ बिहार सॉरी साउथ बिहार प्लेन्स जो है गंगा के नदी, गंगा नदी के दक्षिणी भाग का जो इलाका है, उस मैदानी इलाका का, मैदानी इलाका में पहला वर्गीकरण मिट्टी को क्या कहा जाता है। वी हैव डिवाइडेड सॉइल्स ऑफ साउथ बिहार प्लेन ऑल्सो इंटू फोर पार्ट्स, तो वॉट इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन नोन एज, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ साउथ बिहार प्लेन एज फार एज सॉइल्स इज कंसर्न इज लेवी सॉइल, है ना, जो पहला मिट्टी का वर्गीकरण होता है दक्षिण बिहार में उसको हम लोग कगारी मिट्टी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लेवी सॉइल इन बिहार, निम्नलिखित में से कौन बिहार में कगारी मिट्टी का स्रोत है, तो वो है पहला क्लासिफिकेशन है लेवी सॉइल, हिंदी में बोलते हैं कगारी मिट्टी, और कगारी मिट्टी का स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लेवी सॉइल्स, वो है गंगा नदी और सोन नदी, गंगा रिवर एंड सोन रिवर। 38 का सही ऑप्शन है ए और बी। 39, व्हाट इज द कलर ऑफ लेवी सॉइल इन बिहार, बिहार में कगारी मिट्टी का रंग कैसा है,
लाइट वाइट टू लाइट ब्राउन, हल्के सफेद से हल्के भूरे रंग तक, ये देखिए। सो कलर ऑफ द लेवी सॉयल इज लाइट वाइट टू लाइट ब्राउन, हल्के सफेद से हल्के भूरे रंग तक। 39 का सही ऑप्शन है ए। 40, ये लेवी सॉयल की बात कर रहे हैं, कगारी मिट्टी की बात की कर रहे हैं। कौन कौन सा फसल या क्या क्या इसमें उगाया जा सकता है? मेज, अरहर, वीट्स एंड वेजिटेबल्स। 40 का है डी, ऑल द ऑप्शंस। निम्नलिखित में से क्या कगारी मिट्टी में उगाया जा सकता है? मक्का, अरहर, गेहूं और सब्जियां। 40 का है डी, सभी विकल्प। 41, वेयर इन पटना डू वी फाइंड ताल सॉइल। अब जो मिट्टी का जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है, हम लोग साउथ बिहार प्लेन सॉइल कर रहे हैं, सॉइल्स ऑफ साउथ बिहार प्लेन्स, दक्षिण बिहार मैदानी इलाकों का मिट्टी। पहला जो क्लासिफिकेशन है, जो पहला वर्गीकरण है, वो लेवी सॉइल्स, हिंदी में कहते हैं कगारी मिट्टी। जो दूसरा जो है वो है ताल सॉइल या ताल मिट्टी। ये देखिए, ये है आपका, ये देख रही है गंगा नदी, ये गंगा नदी हो गया वायलेट, और ये है आपका, ये है आपका ताल मिट्टी, ये है आपका ताल मिट्टी। ये देखिए पटना से लेके मुंगेर तक, ये है ताल मिट्टी। तो वेयर इन बिहार डू वी फाइंड ताल सॉइल फ्रॉम ईस्ट पटना टू मुंगेर, पूर्वी पटना से मुंगेर तक। 41 का सही ऑप्शन है ए। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब ताल सॉइल। ताल क्षेत्र की मिट्टी का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? यदि बोला जाए कि किस तरह का मिट्टी होता है ताल का मिट्टी, तो पहला हम लोग बोलेंगे लोमी सॉइल, लोमी मिट्टी, मतलब जो है थोड़ा सा आपका लोमी मिट्टी की बात करेंगे। दूसरा बोलेंगे केवाल मिट्टी, जो पटना के दक्षिण भाग में क्या मिलता है, केवाल मिट्टी, डार्क ब्राउन। और तीसरा, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है, इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल। तो 42 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। अब जो है क्वेश्चन है कि ताल सॉइल में किस तरह का क्रॉप्स उगाया जा सकता है? राबी फसल उगाया जा सकता है, खरीफ की जैद? नहीं, ताल सॉइल जो है सिर्फ राबी क्रॉप्स के लिए ही उगाया जा सकता है, ओनली फॉर रबी फसलें। 43 का है ए। 44, अब पहला था लेवी सॉइल कगारी मिट्टी, दूसरा वर्गीकरण ताल मिट्टी या ताल सॉइल, और तीसरा वर्गीकरण है दक्षिण बिहार के मैदानी इलाके का मिट्टी में, सॉइल्स ऑफ साउथ बिहार प्लेन्स, वो है ओल्ड अलूवियल सॉइल, पुरानी जलोर मिट्टी, पुलारी जलोर मिट्टी, इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ नहीं आता है, इसलिए पुरानी मिट्टी होती है। तो अब क्वेश्चन है, वेयर डू वी फाइंड ओल्ड अलूवियल सॉइल इन बिहार? मगध के मैदानी इलाका में, भोजपुर और भागलपुर, ए बी सी। बिहार में हमें पुरानी जलोर मिट्टी कहाँ मिलती है? मगध के मैदान में, भोजपुर में और भागलपुर में। 44 का है ए बी सी। 45, व्हाट इज द कलर ऑफ ओल्ड अलूवियल सॉइल इन भोजपुर एंड पटना डिस्ट्रिक्ट? यदि भोजपुर और पटना जिला में पुरानी जलोर मिट्टी देखा जाए तो उसका रंग कैसा है? लाइट येलो टू ब्राउन, हल्का पीला से लेके भूरा रंग तक। 45 का ए और बी। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओल्ड अलूवियल सॉइल? यदि पुरानी जलोर मिट्टी की विशेषताएं की बात की जाए तो किस तरह है? ए वेरी फर्टाइल सॉइल, बहुत उपजाऊ मिट्टी है, यह सही है। क्या होता है कि गर्मियों में इसमें दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स, तो बी ऑप्शन भी सही है। और जहां बारिश हुआ तुरंत चिपचिपा हो जाता है, इट बिकम्स वेरी स्टिकी। तो 46 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। 46 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 47, वेयर डू वी फाइंड अलूवियल सॉइल टू बी मोर अल्कलाइन हैविंग हाई कॉन्टेंट ऑफ सॉल्ट? हम लोग पुलारी जलोढ़ मिट्टी जो है कहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्षारीय तत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, नमक लवण की उच्च मात्रा पाई जाती है, हाई कॉन्टेंट ऑफ सॉइल, लवण हम लोग को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये ओल्ड अलूवियल सॉइल इफ यू गो टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ भोजपुर एंड इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट, वी विल फाइंड दैट द ओल्ड अलूवियल सॉइल
इज मोर एल्कालाइन एंड इट हैज हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट। यदि हम लोग भोजपुर के पश्चिमी भाग बक्सर जिला में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ की जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो अधिक क्षारीय है और नमक की मात्रा काफ़ी ऊंची है, लवण की मात्रा काफ़ी है। तो 47 का सही ऑप्शन है ए और बी। 48, हम लोग कभी कभी देखते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है गहरे लाल रंग की भी, तब जो कहाँ येलो ब्राउन, कहीं कहीं हम लोग ओल्ड एलुवियल सॉइल को रेड भी देखते हैं, रेड इन कलर भी देखते हैं। तो ये गहरे लाल रंग जलोढ़ मिट्टी और गहरे लाल रंग कहाँ कहाँ मिलता है भाई? तो वेयर टू बी फाइंड द ओल्ड एलुवियल सॉइल दैट इज डीप रेड इन कलर, नालंदा, मुंगेर एंड भागलपुर, ए बी सी। हमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है जो गहरे लाल रंग की होती है? नालंदा, मुंगेर और भागलपुर, ए बी सी। ठीक है, 49, विच अलोवियल सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वीट एंड सुगर केन। लेकिन ये जो आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है गेहूं और गन्ने के लिए उपयुक्त है, कहाँ पे भाई? तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में और बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। भोजपुर जिले और बक्सर जिले में देखेंगे कि दिस सॉइल इज वेरी सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ वीट एंड सुगर केन, गेहूं और गन्ने के लिए। तो 49 का सही ऑप्शन ए और बी। 50, विच क्रॉप्स कैन बी आइडियली ग्रोन इन पटना डिस्ट्रिक्ट। पटना जिला में आदर्श रूप से कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? तो राइस भी, वीट भी, सुगर केन, डी ऑल द ऑप्शंस। 50 का सही ऑप्शन डी। पटना जिला में आदर्श रूप से कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? चावल, गेहूं और गन्ना। सही ऑप्शन है डी। 51, अब जो है चौथे प्रकार का हम लोग चलते हैं वर्गीकरण मिट्टी का, वो है रेसिडुअल सॉइल्स, जिसको हम लोग अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। तो जो साउथ बिहार का जो हिली एरियाज है, जो पहाड़ी इलाका है, वहीं पे हम लोग को अवशिष्ट मिट्टी मिलती है। तो वेयर टू फाइंड रेसिडुअल सॉइल्स इन बिहार, हिल्स ऑफ कैमूर, गया, नवादा, सम पार्ट्स ऑफ नालंदा, शेखपुरा एंड मुंगेर एंड हिली पार्ट्स ऑफ रोहतास डिस्ट्रिक्ट। 51, कहने का मतलब कि जो पहाड़ी इलाका है, हिली एरियाज है, वहाँ पे आपको रेसिडुअल सॉइल्स मिलेगा। 51 का सही ऑप्शन है डी। बिहार में अवशिष्ट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पहाड़ी इलाका में, दक्षिण बिहार के पहाड़ी इलाका में, कैमूर, गया और नवादा, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर और रोहतास जिले। 51 का है डी। अब है रेसिडुअल सॉइल्स का व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहार में जो अवशिष्ट मिट्टी है उसकी विशेषताएँ क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ सैंड इज मोर, रेत का अनुपात अधिक मिलता है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को चूना और कंकड़ का निशान भी पाया जाता है और यहाँ से रेविन्स का डेवलपमेंट भी होता है। 52 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प। अब कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि जो मिट्टी है काफ़ी अम्लीय हो जाता है, तो उसको हम लोग अम्लीय मिट्टी कहते हैं। तो ये अम्लीय मिट्टी बिहार में मिलती कहाँ है? वेयर डू फाइंड एसिडिक सॉइल्स, वी फाइंड इन द हिली एरियाज ऑफ गया, नवादा एंड इन नालंदा, शेखपुरा एंड मुंगेर एंड ऑल्सो इन द हिली पार्ट्स ऑफ रोहतास डिस्ट्रिक्ट। 53 का है डी। बिहार में अम्लीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गया और नवादा के पहाड़ी क्षेत्र में, नालंदा, शेखपुरा और मुंगेर के कुछ हिस्से में और रोहतास जिले के पहाड़ी भाग में। 53 का है डी। 54, व्हाट इज द कलर ऑफ एसिडिक सॉइल्स इन बिहार। बिहार में अम्लीय मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल पीला से लेके भूरे पीले तक, फ्रॉम रेड येलो टू ब्राउन येलो। 54 का सही ऑप्शन है ए। विच क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन एसिडिक सॉइल्स ऑफ बिहार, बिहार में क्या अम्लीय मिट्टी में फसलें उगाई जा सकती हैं? हाँ, उगाई जा सकती हैं, लेकिन कौन कौन सी फसलें? पल्सेज एंड ऑयल सीड्स, दालें और तिलहन, दलहन और तिलहन। 55 का है ए और बी। अब जो है, अब देखिएगा कि जो ज्वालामुखी होता है और उसके लावा से जो मिट्टी बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लावा उत्पन्न मिट्टी या लावा जनरेटेड सॉइल्स। बिहार में हम लोग को लावा जनरेटेड सॉइल्स कहाँ मिलता है? बिहार में हमें लावा उत्पन्न मिट्टी कहाँ मिलता है? तो वो हम लोग को मिलता है बांका डिस्ट्रिक्ट में, वो हम लोग मिलता है बांका जिला में। 56 का सही ऑप्शन ए। हम लोग देखेंगे कि बिहार में एक जगह मिट्टी में अभ्रक मिलते हैं,
वी फाइंड ट्रेसेस ऑफ माइका इन सॉइल, कहां पे? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट के रजौली ब्लॉक में, नवादा जिला के रजौली ब्लॉक में, 57 का ए एंड बी, रजौली ब्लॉक ऑफ नवादा डिस्ट्रिक्ट, नवादा जिला के रजौली ब्लॉक में, ए एंड बी कंबाइन होकर आपका करेक्ट आंसर होता है, 57 ए एंड बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चलते हैं 58, है ना, क्वेश्चन नंबर 58।